सो वेलकम अगेन ऑनलाइन क्लास ऑफ मेहता पीजी कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। लास्ट लेक्चर बीएससी पार्ट फर्स्ट का अपना जो पेपर चल रहा था डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल जो अपना पेपर है इसमें अपन बात कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ें अपन यहाँ डिस्कस कर चुके थे। उसमें देखिए, अब आज अपना जो टॉपिक है आज के लिए वो टॉपिक है आपका रिप्रोडक्शन इन पैरामीसियम की अपन बात कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन की अपन बात करेंगे यहाँ कि रिप्रोडक्शन इन पैरामीसियम। देखिए, पैरामीसियम अपन ने अभी तक स्ट्रक्चर पढ़ा कि पैरामीसियम का किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर आपने देखा कि इसमें दो एंड्स होते हैं, एक एंटीरियर एंड होता है और एक पोस्टीरियर एंड होता है, ठीक है। तो इसमें किस तरीके से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस चलती है वो देखिए। दोनों तरीके के अपन जब प्रोटोजोआ फाइलम पढ़ रहे थे तब अपन बात कर रहे थे कि दो तरीके का इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जो आपका पैरामीसियम है इसमें दो तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, यानी दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। पैरामीसियम कार्डेटम स्पीसीज के बारे में अपन पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन इन पैरामीसियम। तो यहाँ दोनों तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, यानी कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी है और असेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी है। तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन पे अपन बात करते हैं तो पैरामीसियम या जितने भी प्रोटोजोन हैं उनमें देखिए दोनों मेथड्स की अपन बात कर लेते हैं यहाँ। ये असेक्सुअली और इधर सेक्सुअली, दोनों तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में अपन कुछ मेथड्स अपन ने बात करी थी कि जो असेक्सुअली रिप्रोडक्शन है मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म है उनमें असेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, और असेक्सुअली जो रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है, यानी द्विविखंडन के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अपन यहाँ भी उसी मेथड की बात करने वाले हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सबसे पहला अपने पास में आता है बाइनरी फ्यूजन। ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। देखिए, जो यहाँ एक वर्ड मैंने जोड़ा है ट्रांसवर्स, ठीक है। ट्रांसवर्स का मतलब होता है हिंदी में अगर बात करें तो अनुप्रस्थ। देखिए, दो तरीके के डिविजन्स होते हैं, कई जगह अपन बात कर रहे थे बाइनरी फ्यूजन में कि लॉन्गिट्यूडनल होता है या ट्रांसफर होता है, ठीक है। अनुप्रस्थ डिवीजन होता है, तो अनुप्रस्थ डिवीजन में अपन यहाँ बात करेंगे, मान के चलिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर इसको बीच में से काट दें, ठीक है, इसको ऐसे काट दें तो ये क्या है अनुप्रस्थ। तो इसी तरीके का डिवीजन होता है। पैरामीसियम का आपने स्ट्रक्चर देखा था, अपन ने पैरामीसियम किस तरीके का स्ट्रक्चर का दिखाई देता है, जस्ट स्लीपर लाइक एनिमल था, इस तरीके का ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। ऐसा कुछ ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दे रहा था। इस ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ क्या थे, सीलिया प्रेजेंट थे, लास्ट के सीलिया कुछ लार्ज साइज के थे। तो अगर इस एनिमल को इस तरीके से काट दे, इसको बीच में से इस तरीके से काटा जाए, तो इसका मतलब क्या है, ये है ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ जो बाइनरी फ्यूजन होता है वो एक ही मेथड के द्वारा होता है, ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। उसके बाद में देखिए कुछ और मेथड्स यहाँ अपन यूज करते हैं, वो मेथड्स सारे के सारे कैसे होते हैं। जैसे अपन बात करेंगे पैरामीसियम कॉन्जुगेशन की, पैरामीसियम
पैरामेसियम कॉन्जुगेशन या संयुग्मन की बात करेंगे तो देखिए ये इसको अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट मानते हैं, लेकिन होता नहीं है। होता इसलिए नहीं है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल ऑर्गन का फॉर्मेशन होना जरूरी है, लेकिन यहाँ सेक्सुअल ऑर्गन नहीं होते, इसलिए यहाँ जो रिप्रोडक्शन है उसको एक्चुअल में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन या लैंगिक रिप्रोडक्शन नहीं मानते, क्योंकि यहाँ सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं हैं, लेकिन ऐसा मानते हैं कि दो ऑर्गेनिज्म जो दो पैरामीशियम हैं और वो पास पास में आते हैं और उसके बाद में उनमें एक तरीके से उनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनमें एक ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। उस ब्रिज के फॉर्मेशन से एक ब्रिज का फॉर्मेशन होता है दोनों के बीच में, और जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो उनका एक दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र होता है। तो माइक्रोन्यूक्लियस जाते हैं तो ऐसा मानते हैं कि इनके न्यूक्लियस का एक तरीके से एक दूसरे में गमन हो रहा है, तो ये एक तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। चलिए तो जो फर्स्ट है उसकी बात कर लेते हैं अपन, ट्रांसफर बाइनरी फिजन की बात करते हैं, उसके बाद में अपन कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपने पास में आ रहा है ट्रांसफर बाइनरी असेक्सुअली रिप्रोडक्शन या ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन की अपन बात कर रहे हैं, तो ये है फर्स्ट। ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन की अपन यहाँ बात कर रहे हैं। ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन में देखिए आप देखेंगे तो अभी मैंने बताया कि ऑर्गेनिज्म को अगर अपन बीच में से काट दें, इस तरीके से काटें उसको कि वो एक तरीके से बिल्कुल बीच में से कट जाए, तो देखिए इस जो प्रोसेस है ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन की उसमें होता क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे क्या करेगा, भोजन लेना बंद कर देगा, यानी फूड करना बंद कर देगा, भोजन लेना बंद कर देगा, और इसके जो ओरल ग्रूव्स थे या जो मुख्य संरचना थी वो भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, अस्पष्ट हो जाती है, नहीं गायब हो जाती है। इसके बाद में इसमें क्या होता है, जो इसके बीच में माइक्रोन्यूक्लियस है उसमें डिवीजन होता है, ठीक है, और इसके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो गायब हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी। इसके बाद में जो क्रोमोजोम्स हैं स्पीसीज के अकॉर्डिंग जैसे बात करें 36 से 150 तक होते हैं, जो धीरे धीरे प्रकट होने लग देते हैं या दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को देखिए, अपने को पैरामीशियम किस तरीके का स्ट्रक्चर का दिखाई देता है, ठीक है, इस तरीके का ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर दिखाई देता है अपने को,
देखिए इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आपको पैरामीसियम का दिखाई देता है। इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो अपने को पता है कि दोनों तरफ इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस पे कॉन्टेक्टाइल वेक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अंदर की तरफ दो न्यूक्लियस हैं। देखिए दोनों न्यूक्लियस अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर दो न्यूक्लियस हैं, दोनों न्यूक्लियस में से आप देखेंगे तो धीरे धीरे ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है, सबसे पहले इसमें क्या होगा कि जो इसके माउथ पार्ट्स हैं यानी भोजन लेना बंद कर देगा, भोजन लेना बंद कर देगा तो माउथ पार्ट्स धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएंगे यानी गायब होना चालू कर देंगे। इसके बाद में जो इसके अंदर की तरफ न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो गायब होने लग जाएगी। उसके बाद में जो क्रोमोजोम्स हैं वो क्लियर दिखाई देने लग जाते हैं। जो बीच का न्यूक्लियस है ठीक है वो भी डंबल शेप में, जो लार्ज न्यूक्लियस है डंबल शेप में होकर वो भी धीरे धीरे लंबाई में बढ़ता रहता है। उसके बाद में उसमें बीच में एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकीर्णन डेवलप होना चालू हो जाता है उस, तो या फिर उसमें अपन कहें कि असूत्री विभाजन होता है, एमाइटोसिस या एमाइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे वापस से इसमें क्या होता है विभाजन होने लग जाता है। अब धीरे धीरे दो ओरल ग्रूव्स का फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है। तो देखिए अगली नेक्स्ट जो फेज है उसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है ठीक है अपने को ऑर्गेनिज्म इस तरीके का दिखाई देता है तो धीरे धीरे इसमें क्या है अब ओरल ग्रूव जो है वो धीरे धीरे क्या है डीजनरेट हो गई, ख़त्म होना चालू हो गई, यानी कि ये ओरल ग्रूव यहाँ से ख़त्म हो गई। अब ऑर्गेनिज्म ने क्या है फूड लेना बंद कर दिया, इसने भोजन लेना बंद कर दिया ठीक है। इस तरीके का ऑर्गेनिज्म है आपका। अब भोजन लेना बंद कर दिया तो अंदर की तरफ आपको फूड वेक्यूल्स भी दिखाई नहीं देंगे, अंदर फूड वेक्यूल्स नहीं है और अंदर क्या है कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल्स हैं दोनों तरफ, एक इधर ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल्स इधर की तरफ चली जाती है दूसरी इधर की तरफ चली जाती है ठीक है। उसके बाद में जो न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस हैं यहाँ पे, एक न्यूक्लियस यहाँ बीच में है जिसको अपन मैक्रो न्यूक्लियस बोल रहे हैं और दूसरा न्यूक्लियस है जो स्मॉल साइज का होता है उसको अपन बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस यानी छोटा न्यूक्लियस। अब मैक्रो न्यूक्लियस में क्या हुआ कि जो मैक्रो न्यूक्लियस है उसमें भी डिवीजन होंगे, तो यानी कि यहाँ जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे जो प्रेजेंट थी वो डीजनरेट हो जाती है, गायब हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि इस तरीके से क्रोमोजोम्स दिखाई देने लगते हैं और क्रोमोजोम्स नंबर में स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करते हैं। तो ये 36 से 150 तक क्रोमोजोम्स दिखाई देते हैं है ना। उसके बाद में फिर देखिए नेक्स्ट क्या होगा, जो मैक्रो न्यूक्लियस है तो वो भी डंबल शेप का हो जाएगा। अभी देखते हैं तो जो प्रोफेज है ठीक है, प्रोफेज में जो क्रोमोजोम्स हैं कैसे होते हैं, जैसा डिवीजन चलता है उसी तरीके के यहाँ जो क्रोमोजोम है प्रोफेज फेज में कैसे होते हैं, जब देखिए डिवीजन होता है तो डिवीजन में क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, न्यूक्लियस में जो मटेरियल है वो गायब हो जाता है, थ्रेड्स जो हैं वो कंडेंस फॉर्म में आ जाते हैं ठीक है। अभी जो ये कंडेंस्ड होंगे तो क्या होगा, देखिए कंडेंस फॉर्म में आ जाते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे ये मेटाफेजिक प्लेट पे यानी प्रोफेज जो अवस्था है उसमें यहाँ तक हो जाता है कि जो न्यूक्लियस है उसकी वॉल गायब, मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, क्रोमोजोम कंडेंस फॉर्म में आ जाते हैं, क्रोमोजोम कंडेंस हो गए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या होगा, धीरे धीरे जो ये क्रोमोजोम्स हैं ये मेटाफेज प्लेट पे व्यवस्थित होना चालू हो जाएंगे। मेटाफेज प्लेट पे व्यवस्थित होंगे, देखिए जैसे अपन इनका स्ट्रक्चर देखें क्रोमोजोम का, तो पहले अपने को ये इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में इस तरीके से अंदर की तरफ दिखाई देते हैं ठीक है। उसके बाद में फिर अपन देखते हैं तो थोड़े से कंडेंस फॉर्म में आ जाते हैं क्रोमोजोम, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो गायब हो जाने के बाद में कैसे हो जाएंगे, थोड़े से इस तरीके से जैसे धीरे धीरे गायब हो गई, अब ये थोड़े आपको इस तरीके से कंडेंस फॉर्म में आ जाएंगे ठीक है, ये कंडेंस हो गए। उसके बाद में मेटाफेजिक प्लेट पे जब क्रोमोजोम डिवीजन होता है तो जैसे ये मेटाफेज प्लेट है इस पे इस तरीके से ये क्रोमोजोम्स आकर व्यवस्थित हो जाएंगे। उसके बाद में फिर प्रोफेज और लास्ट में जब टेलोफेज स्टेज चलती है तो टीलोफेज में क्या होते हैं कि जो छोटे जो वापस जो न्यूक्लियस थे यानी कि ये जो क्रोमोजोम्स हैं ये ऊपर की तरफ, ये इधर वाले, ये नीचे वाले तरफ ठीक है, तो ये क्रोमोजोम और ये क्रोमोजोम
दोनों अलग हो गए और ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ये नीचे की तरफ चले जाते हैं। जब टेलोफेज स्टेज स्टार्ट होती है तो वापस से प्रोफेज की तरह यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस बनना चालू हो जाती है, जो क्रोमोजोम्स हैं वापस उसी पोजीशन में आ जाते हैं, तो एक से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ क्रोमोजोम थे, पहले कंडेंस फॉर्म में आए, उसके बाद में मेटाफेजिक प्लेट पे आए, मेटाफेजिक प्लेट पे आने के बाद में ये एनाफेज स्टेज जब चालू हुई तो ये ध्रुवों की तरफ पोल्स की तरफ जाने चालू हो गए, उसके बाद में फिर वापस से टेलोफेज स्टार्ट होती है तो एक से दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी एक से दो न्यूक्लियस बनेंगे। देखिए अब जो ऑर्गेनिज्म है उसमें अपन ने कहा कि क्या क्या चेंजेज होते हैं, ये थोड़ा सा लंबा हो गया, जो न्यूक्लियस था वो भी कैसा हो गया, डंबल शेप्ड का होकर थोड़ा सा लंबा हो जाता है, न्यूक्लियर ये गायब हो गई। ये क्या थी आपकी, कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल्स थी, ये भी कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल है, इस फॉर्म में आ गया ऑर्गेनिज्म। उसके बाद में फिर नेक्स्ट बात करें अपन, तो नेक्स्ट में क्या होगा, ये जो क्रोमोजोम्स हैं ये दोनों तरफ चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म में अपन बात करेंगे कि इसके बाद में ठीक है, वापस से इसमें दो जगह देखिए बीच में इस तरीके का संकीर्ण डेवलप हो जाएगा। क्रोमोजोम जो है वो एक माइक्रो क्रोमोजोम्स थे, वो इस तरीके से डंबल शेप्ड में हो जाएंगे, ठीक है। और मैक्रो क्रोमोजोम में जो क्रोमोजोम्स थे वो दोनों तरफ चले जाते हैं, इस फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो ओरल ग्रूव है, आपने देखा अभी एक ओरल ग्रूव यहाँ दिखाई दे रही है, ये इस तरीके से डंबल शेप्ड में हो जाता है न्यूक्लियस, ये माइक्रो न्यूक्लियस है वो, सॉरी मैक्रो, और ये माइक्रो न्यूक्लियस। ये देखिए यहाँ ओरल ग्रूव का फॉर्मेशन होना चालू हो गया, एक ओरल ग्रूव का फॉर्मेशन यहां होता है, ये है ओरल ग्रूव, एक ये और एक ये, दोनों ओरल ग्रूव का फॉर्मेशन हो गया, दोनों तरफ एक एक कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल्स थी, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल यहां है और एक कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल यहां है, ठीक है। दो कॉन्ट्रैक्टाइल, एक एंटीरियर थी एक पोस्टीरियर थी, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाता है। उसके बाद में फिर देखेंगे आप नेक्स्ट में देखते हैं, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये और गहरा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन यहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, अब ये कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, देखिए मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो जो वो कॉन्ट्रैक्शन है वो कैसा हो जाएगा, और गहरा हो जाएगा। इस तरीके से ऑर्गेनिज्म था आपका, इसमें से ये कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपके दो ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म इधर और एक ऑर्गेनिज्म इधर। देखिए अब यहां क्या था, इधर क्या था, यहां ओरल ग्रूव दिखाई दे रही थी, धीरे धीरे ओरल ग्रूव वापस से बनना चालू हो जाती है, यहाँ वापस से ओरल ग्रूव का फॉर्मेशन चालू हो जाता है, दोनों तरफ उधर बन रही थी तो यानी दोनों ओरल ग्रूव्स बन गई। इसके बाद में देखिए अपने पास में क्या था, एक एक कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल्स पहले से ही प्रेजेंट है इसमें दोनों तरफ, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल यहाँ पहले से ही प्रेजेंट थी, उसमें पहले से ही प्रेजेंट थी, ठीक है, इस तरीके से ये पहले से प्रेजेंट थे। न्यूक्लियस अब डंबल शेप हो चुके तो बीच में कॉन्ट्रैक्शन गहरा हो गया, तो इसका मतलब दोनों न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गए, एक मैक्रो न्यूक्लियस
इधर और एक इधर, और उसके बाद में एक माइक्रो न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ से बीच में हो गया तो ऊपर का पर्सन ऊपर, नीचे का नीचे, एक माइक्रो न्यूक्लियस इधर, एक माइक्रो न्यूक्लियस इधर, ठीक है। इस फॉर्म में आपका ऑर्गेनिज्म आ जाता है, ठीक है। यहाँ आने के बाद में फिर क्या होगा, इनमें एक एक कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल्स और डेवलप होती है, एक एक तो पहले से थी, अब एक एक कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल्स वापस से डेवलप हो गई, ठीक है। दो ऑर्गेनिज्म, अब क्या होगा नेक्स्ट में, दोनों ऑर्गेनिज्म अलग हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके का एक ऑर्गेनिज्म बन गया, और दूसरा जो प्रोजेनी बन रही है वो भी इसी सेम तरीके की। तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें देखिए कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पे अपन दोनों ही बात करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेनिफिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं इसके। ठीक है, इस तरीके से एक से दो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो गया, दो डॉटर्स पैरामीसियम बन गए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस थी इसको बोलते हैं ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब जो ऑर्गेनिज्म ऐसे उसको इस तरीके से काटे बीच में से, तो उसको बोल रहे थे ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन। एक जगह जब योगी लेना पड़ेंगे, जब अपन बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल, यानी ऑर्गेनिज्म को इस तरीके से दो भागों में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ अपन ने ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन की बात की। तो इसमें देखिए मैंने कहा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरीके के होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही यही होता है कि जहाँ बिना गैमेट्स के फ्यूजन हुए अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। उसमें देखिए ना तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, एक ही पेरेंट चाहिए, सिंगल पेरेंट। तो इसके कुछ फायदे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ फायदे ये हैं कि देखिए एक तो बहुत फास्ट हो जाता है, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिंगल पेरेंट। दूसरा, यहाँ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, तो दूसरे पेरेंट्स नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं है, एक ही पेरेंट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो सिंगल पेरेंट्स यहाँ रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस फास्ट होती है, क्योंकि दूसरा पेरेंट्स पता नहीं कब मिलेगा, कब उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद में गैमेट फॉर्मेशन होंगे, कब गैमेट रिलीज होंगे, तो लंबी प्रोसेस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ी लंबी प्रोसेस है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट प्रोसेस है। तो एक ही पेरेंट है, उसमें डिवीजन हुए और ये लो डॉटर सेल्स बन गई, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, लेकिन इसके डीमेरिट्स हैं। फायदे तो बहुत सारे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, कि बहुत फास्ट प्रोसेस है, एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है, जो प्रोजेनी बनेगी वो जस्ट डॉटर सेल की कॉपी बनती है यहाँ, ठीक है। तो वेरिएशंस नहीं आएंगे, सबसे अच्छी बात यहाँ क्या है कि वेरिएशंस नहीं आएंगे, वेरिएशंस नहीं देखने को मिलेंगे। तो क्या होगा कि जो डॉटर मदर सेल थी वैसी डॉटर सेल होगी, यानी कि किसी तरीके के वेरिएशंस नहीं होंगे। वेरिएशंस नहीं है तो नई स्पीसीज डेवलप नहीं होगी, नई स्पीसीज डेवलप नहीं होगी तो अपने को नए फॉर्ममेट में ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेंगे। इसलिए ये इसका नुकसान है एक तरीके से अपन कहें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो डीमेरिट्स है वो है कि सिमिलर प्रोजेनीज बनती है यहाँ, जिससे उनमें वेरिएशंस नहीं आते, और वेरिएशन नहीं आने की वजह से अपने को नई स्पीसीज नहीं मिल पाती, ठीक है। अब अपन बात करते हैं दूसरा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे, यानी पैरामीसियम में कॉन्जुगेशन की अपन बात करेंगे।
चलिए ठीक है। अब दूसरा जो रिप्रोडक्शन का टाइप उसकी बात कर रहे हैं अपन कॉन्जुगेशन की, कि पैरामीसियम में अपन कह ही रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो कुछ स्पीसीज में तो चलिए मानते हैं कि ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अनयूजुअल कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं। पैरामीसियम कॉन्जुगेशन, पैरामीसियम में कॉन्जुगेशन की अपन बात कर रहे हैं, या इसको अपन बोलते हैं संयुग्मन। पैरामीसियम में कॉन्जुगेशन ठीक है। तो कॉन्जुगेशन को क्या कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट मानते हैं, क्योंकि दो ऑर्गेनिज्म पास पास में आते हैं और उनमें फ्यूजन होता है, इसलिए इस प्रोसेस को ऐसा मानते हैं कि यहाँ कॉन्जुगेशन होता है। देखिए ये जो प्रोसेस है, मैंने कहा कि ये अनयूजुअल कंडीशंस में इस तरीके का होगा। तो इसमें क्या होता है कि दोनों जो एनिमल्स हैं आकर यहाँ जुड़ रहे हैं, दोनों जो प्रोकॉन्जुगेंट्स बोलते हैं उनको पास पास में आ रहे हैं, और दोनों के न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, दोनों के न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, यानी न्यूक्लियस का ट्रांसफ़र होता है ठीक है। तो इसको अभी देखते हैं अपन। तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन, उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो पैरामीसियम की कॉर्डेटम स्पीसीज है, इसमें देखा गया तो इसमें दो अलग अलग तरीके के प्रो कॉन्जुगेंट्स आकर यहाँ मिलते हैं। तो कॉन्जुगेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा, सबसे पहले प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन अपन देखते हैं। प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन देखिए, प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि दो प्रो कॉन्जुगेंट्स आकर पास पास में जुड़ते हैं। पास पास में जैसे ही आएंगे दोनों कॉन्जुगेंट्स, जुड़ने के बाद में वो देखिए कुछ चेंजेज यहाँ पहले ऑर्गेनिज्म में होते हैं। जैसे ही ऑर्गेनिज्म पास में आते हैं तो सबसे पहले इनके जो ओरल ग्रूव्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे ठीक है। ओरल ग्रूव्स यानी ऑर्गेनिज्म फूड लेना बंद कर देगा। जब ये प्रोसेस चलेगी रिप्रोडक्शन की तो ऑर्गेनिज्म फूड लेना बंद कर देता है। फूड लेना बंद कर देगा तो जो ऑर्गेनिज्म दोनों पास पास में आएंगे, तो जिनके ओरल ग्रूव्स हैं वो पहले से ही खत्म हो गए, उसके पास में आकर दोनों ओरल ग्रूव वाले पोर्शन से आकर जुड़ते हैं ठीक है। जुड़ेंगे तो इनके बीच की जो मेम्ब्रेन है ठीक है, मेम्ब्रेन है वो डिजोल्व होगी। डिजोल्व होने के बाद में दोनों के जो माइक्रोन्यूक्लियस हैं, माइक्रोन्यूक्लियस से ट्रांसफ़र होते हैं। जो मैक्रोन्यूक्लियस हैं, मैक्रोन्यूक्लियस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में हेल्प करते हैं, लेकिन जो माइक्रोन्यूक्लियस हैं वो एक पैरामीसियम से दूसरे पैरामीसियम में ट्रांसफ़र होते हैं। इसीलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट मानते हैं, क्योंकि इसमें जो क्रोमोजोम्स हैं एक न्यूक्लियस में यानी माइक्रो न्यूक्लियस में, तो दूसरे स्पीसीज में जाते हैं। तो दो स्पीसीज यहाँ अलग अलग स्पीसीज की अपन बात कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं प्रोकॉन्जुगेंट्स, यानी दो पैरामीसियम आकर यहाँ जुड़ते हैं तो उनको बोलते हैं प्रोकॉन्जुगेंट्स। तो सबसे पहले क्या हुआ कि प्रोकॉन्जुगेंट्स आए, दोनों ने भोजन लेना बंद कर दिया। भोजन लेना बंद कर दिया तो जो ओरल ग्रूव्स हैं उनके, ओरल ग्रूव्स क्या हैं, ख़त्म हो जाते हैं ठीक है। धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएंगे, ओरल ग्रूव खत्म हुए, फिर उनके बीच में क्या होगा, प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है। तो सबसे पहले दो प्रो कॉन्जुगेंट्स पास में आएंगे, प्रो कॉन्जुगेंट्स पास में आए दोनों ठीक है। पास में आके जैसे ही पास में आएंगे तो ये क्या होगा, सबसे पहले ओरल ग्रूव डीजनरेट, ओरल ग्रूव्स कैसे हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, यहाँ नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद में दूसरी चीज क्या होगी, जो प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बनेगा इनके बीच में, प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ से प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज जैसे ही बनेगा तो दोनों जो कॉन्जुगेंट्स हैं यानी जो ट्विन्स हैं दोनों, एक तरीके से अपन कहें कि आकर जुड़ गए, तो इनके
जो प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बन गया, तो अब क्या होगा, न्यूक्लियस जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो तो धीरे धीरे क्या होता है, टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। जो लार्ज न्यूक्लियस है जिसको अपन बोल रहे हैं मैक्रो न्यूक्लियस या गुरु केंद्रक बोलते हैं उसको, तो वो धीरे धीरे डीजनरेट होने लग जाता है, धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगा। और जो माइक्रो न्यूक्लियस है, छोटा जो न्यूक्लियस है, उसमें क्या होंगे, उसमें डिविजन्स होते हैं, यानी कि उसमें लगातार अर्धसूत्री विभाजन होंगे, उसके बाद में हैप्लोइड डॉटर न्यूक्लियस बन जाते हैं उनमें से। फिर देखिए अभी अपन पहले प्रोसेस देखते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म में क्या क्या प्रोसेस चलती है। इसमें देखिए, चलिए तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या हुआ कि दो प्रो कॉन्जुगेंट्स इस तरीके से आकर जुड़ जाएंगे, ठीक है, दोनों प्रो कॉन्जुगेंट्स हैं आकर जुड़ गए। अब यहाँ बिल्कुल अपने को क्लियर दोनों चीज़ें देखनी है। देखिए यहाँ क्या है, मैक्रो न्यूक्लियस और स्मॉल न्यूक्लियस है, इधर भी आप देखेंगे तो लार्ज न्यूक्लियस और स्मॉल न्यूक्लियस है, ठीक है। ठीक है, तो इनको अपन बोलते हैं प्रो कॉन्जुगेंट्स, यानी एक कॉन्जुगेंट ये है और एक दूसरा कॉन्जुगेंट ये है, इसको अपन ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, ये क्या है, कॉन्जुगेंट कॉन्जुगेंट्स है, कॉन्जुगेंट ए और कॉन्जुगेंट बी है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा धीरे धीरे, ये मैंने कहा कि दोनों एनिमल जैसे ही पास में आके जुड़ गए तो यहाँ प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बन गया, ओरल ग्रूव्स खत्म हो गई दोनों की, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, जो लार्ज न्यूक्लियस है जिसको अपन कह रहे हैं मैक्रो न्यूक्लियस क्या होगा, धीरे धीरे डीजनरेट होगा। और माइक्रो न्यूक्लियस में क्या होता है कि इसमें डिवीजन होता है, ठीक है। यहाँ देखिए मैक्रो न्यूक्लियस है, ये धीरे धीरे क्या होगा, डीजनरेट होने चालू हो जाता है, ठीक है। इधर भी क्या है, मैक्रो न्यूक्लियस, ये धीरे धीरे डीजनरेट होना चालू हो जाता है, ठीक है। ये डीजनरेशन इसमें चालू हो गया, उसके बाद में जो आपका माइक्रो न्यूक्लियस है इसमें डिविजन्स होते हैं, यानी कि दो माइक्रो न्यूक्लियस बन गए, इधर इधर भी दो बन गए। तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि यहाँ जो माइक्रो न्यूक्लियस है उसका डीजनरेशन हो रहा है, और इधर की तरफ आपके जो डॉटर माइक्रो न्यूक्लियाई उनका फॉर्मेशन हो रहा है, तो इनको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। डॉटर न्यूक्लियाई है और ये डीजनरेशन, डीजनरेशन ऑफ माइक्रो मैक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। मैक्रो न्यूक्लियस क्या हो गया, डीजनरेट हो गया, उसमें माइक्रो न्यूक्लियस में क्या हुआ, डिवीजन हुए, दो डिवीजन हुए, उसके बाद में उसमें फिर डिवीजन होता है, डिवीजन होने के बाद में ये धीरे धीरे बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा, और ये जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं फिर उसमें फिर डिवीजन होता है, ये ऑर्गेनिज्म है। तो कम्प्लीटली इसमें आप देखेंगे तो जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो पूरा का पूरा ये मान के चलिए डीजनरेट हो गया, और यहाँ जो न्यूक्लियस थे उनमें फिर से डिवीजन हो गया,
और कितने बन गए, चार। इधर की तरफ आप देखेंगे तो इसमें क्या हो गया, इसमें भी दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है इसमें भी डिवीजन हुआ, इसमें भी कितने बन गए, चार। और ये जो मैक्रोन्यूक्लियस है अपन इनको इधर भी शो कर सकते हैं, ठीक है, ये कम्प्लीटली डिजनरेट हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ कितने बन गए, फोर डॉटर्स, ठीक है, फोर डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा, ये फोर डॉटर न्यूक्लियाई जो है ये माइक्रो न्यूक्लियस हैं, अब इनमें से तीन जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे यहाँ से, यानी तीन जो माइक्रो न्यूक्लियस हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, यानी अभी कितने बन गए, अपन इनको बोल सकते हैं कि फोर माइक्रो न्यूक्लियाई, ठीक है, फोर माइक्रो न्यूक्लियाई हैं। अब इनमें से क्या हुआ, तीन ये जो न्यूक्लियस हैं ये डीजनरेट हो जाएंगे, या डीजनरेट हो जाएंगे, तीन खत्म हो गए तो बचे कितने, ठीक है। तो दोनों ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ कि एक एक माइक्रो न्यूक्लियस है बचा हुआ है, और तीन माइक्रो न्यूक्लियस डीजनरेट हो गए, ये तीनों गायब होने लग गए, ठीक है, यहाँ तक की प्रोसेस होती है। उसके बाद में फिर देखिए आगे देखेंगे अपन, तो अब क्या होगा, अब जो ये न्यूक्लियस हैं, ठीक है, इसमें फिर डिवीजन होता है, जो सिंगल सिंगल न्यूक्लियस हैं उनमें क्या होगा, अनइक्वल डिवीजन्स होता है, ठीक है, अनइक्वल डिवीजन्स होगा, यानी कि यहाँ अब जो डिवीजन होते हैं वो कैसे होते हैं, अनइक्वल, ठीक है। अब देखिए वहाँ वो डिजनरेशन हो गया, उसके बाद में इधर बनाते हैं अपन, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है आपके। उधर अपन ने कहा कि जो माइक्रो न्यूक्लियस हैं उनमें फिर डिवीजन हुआ, तो यहाँ अनयूजुअल डिवीजन होते हैं, यहाँ माइटोसिस होता है, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन है, यानी अनयूजुअल माइटोटिक डिवीजन है। तो एक से दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गए, डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। अब देखिए इन दोनों डॉटर न्यूक्लियस में क्या होता है, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, दोनों न्यूक्लियस का अब क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, दोनों न्यूक्लियस, ये इधर वाला न्यूक्लियस इसके साथ में जाकर मैच कर लेगा, अपन इस तरीके से भी शो कर सकते हैं इनको, ये न्यूक्लियस इधर चला जाएगा इससे जुड़ जाएगा, और ये न्यूक्लियस इससे चला जाएगा, यानी इधर जाकर ये फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बनेगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं अपन, ये जो कॉन्जुगेंट्स हैं, ठीक है, अब क्या हो गया इनमें, जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि ये आपके पास में दो कॉन्जुगेंट्स बन गए, ठीक है, ये कॉन्जुगेंट्स हैं, इनमें अब ये जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, यानी दोनों न्यूक्लियस का अपन कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का ट्रांसफर हो गया। यहाँ देखिए दोनों जो न्यूक्लियस हैं, ये जो न्यूक्लियस है इसको बोलते हैं स्टेशनरी, स्टेशनरी न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं माइग्रेटरी, माइग्रेटरी न्यूक्लियस, यानी ये माइग्रेट करता है, ठीक है। अब क्या हो गया, जायगोट बन गया, ठीक है, जैसे ही जायगोट बनता है ऑर्गेनिज्म दोनों के दोनों क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है, जायगोट न्यूक्लियस बन गया, अब क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म यहाँ से अलग हो गए, दोनों कॉन्जुगेंट्स अलग हो गए, अब अलग तरीके से इनमें डिवीजन होंगे, ठीक है। यहाँ अलग होने के बाद में आगे की प्रोसेस देखते हैं, अभी तक की जो प्रोसेस अपन ने देखी उसमें क्या हुआ, पैरामीशियम कॉन्जुगेशन में दो प्रो कॉन्जुगेंट्स या कॉन्जुगेंट्स जिनको बोल रहे हैं ए और बी, दोनों आकर पास पास में जुड़ते हैं, जैसे ही ये कॉन्जुगेशन के लिए तैयार होते हैं
फूड लेना बंद कर देते हैं। जैसे ही फूड लेना बंद करेंगे उसके बाद में इनमें क्या होगा कि जो इनकी ओरल ग्रूव है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। ओरल ग्रूव ख़त्म होगी उसके बाद में ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि अंदर से इनका जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो डीजनरेट होता है, और मैक्रोन्यूक्लियस है वो डीजनरेट होता है और माइक्रोन्यूक्लियस में डिवीजन होते हैं। उनमें पहले डिवीजन होगा तो दो डॉटर न्यूक्लियस, फिर डिवीजन हुआ चार डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस टोटली गायब हो जाता है यहाँ से। और माइक्रोन्यूक्लियस में देखिए तीन जो न्यूक्लियस हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे यहाँ के बाद में, सिर्फ और सिर्फ एक 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 न्यूक्लियस बचते हैं। अब इनमें फिर माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन अनयूजुअल डिवीजन होंगे, यानी दो न्यूक्लियस बनेंगे, एक बड़ा और एक छोटा जो डॉटर न्यूक्लियस बन रहे हैं। अनयूजुअल डिवीजन हुए तो दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, एक होता है स्टेशनरी न्यूक्लियस यानी स्थिर रहने वाला और दूसरा माइग्रेटरी यानी माइग्रेशन करने वाला, ठीक है। तो यहाँ से ये चला, अब ये किस फॉर्म में आ गए, जायगोट की फॉर्म में, यानी जायगोट की फॉर्म में आने के बाद में दोनों कॉन्जुगेट्स अलग हो जाते हैं। अब ये दोनों कॉन्जुगेट्स हैं ये अलग हो गए, अब आगे की प्रोसेस देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए ठीक है, तो अपन अब दोनों कॉन्जुगेंट्स को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। एक जो कॉन्जुगेंट्स था आपका, यानी कि यहाँ क्या हुआ था, एक में ये जाइगोट बना देते हैं अपन और दूसरे में ये दूसरा था इसी तरीके का, ठीक है। एक कॉन्जुगेंट ए था, ये कॉन्जुगेंट बी है, दोनों अलग हो गए थे, ठीक है। अलग होने के बाद में फिर अब इनमें देखेंगे, यानी अब इनको बोल रहे हैं एक्स कॉन्जुगेंट्स, एक्स कॉन्जुगेंट और ये जाइगोट न्यूक्लियस, ये क्या है जाइगोट, जाइगोट न्यूक्लियस, और इनको बोलते हैं एक्स कॉन्जुगेंट, एक्स कॉन्जुगेंट, दोनों अलग हो गए। अलग होने के बाद में फिर देखो इनमें डिवीजन होता है, इनमें डिवीजन होगा तो जो न्यूक्लियस हैं दो डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं, फिर चार डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं, फिर आठ डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, इधर दो न्यूक्लियस बनते हैं, उसके बाद में फिर चार न्यूक्लियस बनते हैं, ये चार न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, और उसके बाद में ऑट न्यूक्लियस, ठीक है, आठ न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद में फिर देखेंगे अपन कि आगे आठ न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया दोनों में इसी तरीके से, दोनों अलग अलग हो गए थे कॉन्जुगेंट्स, यहां भी पहले दो न्यूक्लियस बने, उसके बाद में फिर चार न्यूक्लियस बन गए, उसके बाद में फिर आठ न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इस तरीके से आठ न्यूक्लियर स्टेज पहुंच जाती है। ये स्टेज बनने के बाद में अब क्या होगा, देखिए इनको बोलते हैं एट डॉटर न्यूक्लियाई, इनको बोल सकते हैं फोर डॉटर न्यूक्लियाई, ये यहाँ तक की जो स्टेज है ये आ गई एट डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। इधर भी वही है, ये फोर डॉटर न्यूक्लियाई है, ये टू डॉटर न्यूक्लियाई है, ठीक है। अब देखिए आगे की तरफ क्या होता है, अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो एट न्यूक्लियस हैं, ठीक है, इनमें से तीन जो माइक्रो न्यूक्लियस हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे,
ठीक है, तीन माइक्रो न्यूक्लियस क्या है, डी जनरेट हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसमें देखेंगे अपन, देखिए इनमें से चार जो डॉटर न्यूक्लियस होते हैं वो मैक्रो डॉटर न्यूक्लियस यानी लार्ज साइज के होते हैं और चार स्मॉल साइज के होते हैं। ये कैसे हुए लार्ज साइज के और ये बाकी बचे हुए स्मॉल साइज के, ठीक है। इस तरीके का इनमें डिवीजन होता है आगे चल के। उसके बाद में अब देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होगा जिसमें इनका तो डिवीजन होगा ही, माइक्रो न्यूक्लियस है इनका डिवीजन होगा, साथ में ही जो ऑर्गेनिज्म है अब इसमें ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन होगा, ठीक है। अब ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन होगा तो क्या होगा, ये जो ऑर्गेनिज्म है आपका, ये ऑर्गेनिज्म इस तरीके से, इस तरीके का ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। इसमें अपन ने कहा कि जो डॉटर न्यूक्लियस है उसमें फिर डिवीजन होता है, दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है और दो लार्ज न्यूक्लियस इधर या मैक्रो न्यूक्लियस और दो मैक्रो न्यूक्लियस इधर नीचे की तरफ, सेम प्रोसेस इधर होता है। यहाँ भी आप देखेंगे डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन, ये न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, दो न्यूक्लियस माइक्रो न्यूक्लियस बन गए और ये दो लार्ज न्यूक्लियस या मैक्रो न्यूक्लियस ऊपर चले गए और दो मैक्रो न्यूक्लियस नीचे की तरफ, ठीक है। बीच में आपने देखा डिवीजन हो गया यानी अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन बनना चालू हो गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट में दोनों स्पीसीज अलग हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं अपन, तो इसमें एक पैरामीशियम इधर बन गया और दूसरा पैरामीशियम इधर बन गया, ठीक है। तो यहाँ जो पैरामीशियम बन रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि दो लार्ज न्यूक्लियस हैं और एक स्मॉल न्यूक्लियस है। यहाँ आप देखेंगे इधर वाले में भी तो दो लार्ज न्यूक्लियस हैं और एक स्मॉल न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर ये आगे जाकर फिर डिवाइड हो जाते हैं, वापस जाके फिर डिवाइड होंगे तो दो दो न्यूक्लियस उसमें हो जाते हैं। नेक्स्ट स्पीसीज में जाएंगे तो इनसे फिर देखिए उससे दो और इधर वाले दो, दोनों से चार बनेंगे यानी इसका फिर डिवीजन होगा इसमें और इससे एक पैरामीशियम जिसमें एक लार्ज न्यूक्लियस होगा और एक स्मॉल न्यूक्लियस होगा, इससे दो बन रहे हैं, इससे भी बनेंगे दो पैरामीशियम, एक में लार्ज न्यूक्लियस होगा और एक में स्मॉल न्यूक्लियस होगा। यहाँ भी फिर दो तरीके के बनते हैं, इसमें लार्ज न्यूक्लियस है और यहाँ स्मॉल न्यूक्लियस, इधर की तरफ भी लार्ज न्यूक्लियस है और यहाँ स्मॉल न्यूक्लियस है, ठीक है। ये दोनों ये प्रोसेस कॉन्जुगेंट्स ए में हो रही है एक्स कॉन्जुगेंट और यही प्रोसेस एक्स कॉन्जुगेंट बी में हो रही है, दोनों में यही प्रोसेस चलती है। तो फोर डॉटर इधर से बन गई और फोर डॉटर इससे बन गई, तो टोटल जो पैरामीशियम कॉन्जुगेशन हो रहा है उसमें एट डॉटर पैरामीशियम का फॉर्मेशन होता है यानी फोर। अपन ने देखा अभी कि फोर कॉन्जुगेंट्स ए से बन रही थी और फोर ही कॉन्जुगेंट्स बी से बन रही हैं, तो टोटल आठ डॉटर पैरामीशियम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दोनों में सेम प्रोसेस है। अब उसके बाद में देखते हैं कि कुछ फैक्टर्स हैं
ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं, यानी फैक्टर्स या कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कॉन्जुगेशन को इफ़ेक्ट करते हैं या प्रमोट करते हैं कॉन्जुगेशन होने के लिए, तो उन फैक्टर्स की अपन बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो ये जो नॉर्मल जो कंडीशंस होती हैं उसमें कॉन्जुगेशन नहीं होता, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है और नॉर्मल कंडीशंस में ये नहीं होता। कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे भोजन की कमी हो गई या कुछ जीवाणु विवाणु या रासायनिक पदार्थ ऐसे हैं जिनकी वजह से कॉन्जुगेशन होता है, यानी कि नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता, इनके लिए कुछ अनयूजुअल कंडीशंस होती हैं उसमें होता है। कुछ ऐसा भी बताया गया है कि जो टेम्परेचर है लाइट या टेम्परेचर की एक निश्चित जो इंटेंसिटी है वो भिन्न भिन्न जातियों के लिए अलग अलग तरीके से कॉन्जुगेशन करती है, यानी कि मान के चलिए कि कुछ स्पीसीज हैं जो 25 डिग्री टेम्परेचर को टोलरेट कर रही हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर कर दें 30 डिग्री कर दें तो कॉन्जुगेट को प्रमोट कर देगी उसमें जाके, लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा कर दें तो कॉन्जुगेट को इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद में ये देखते हैं कि ऐसा माना जाता है कि जो मॉर्निंग का टाइम होता है, ठीक है, मॉर्निंग से लेकर दोपहर तक, मॉर्निंग से लेकर दोपहर तक का जो टाइम है उसको बेस्ट टाइम मानते हैं पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो कुछ ऐसा मानते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म में लैंगिक परिपक्वता, ठीक है, यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी प्राप्त करने से पहले कई बार असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें, उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या कॉन्जुगेशन होता है। तो कॉन्जुगेशन होने से पहले मान के चलिए कि 200-300 बार उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन होता है, उसके बाद में एक बार कॉन्जुगेशन होता है उसमें, तो उससे ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल मेच्योरिटी डेवलप होती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो बात करें अपन, तो इनमें जो ऑर्गेनिज्म जुड़ते हैं, ठीक है, उनमें मेल और फीमेल का कोई विभेद नहीं होता, यानी मेल और फीमेल को अपन यहाँ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कहाँ गैमिट को, किसके गैमिट हैं, किस में फ्यूज हो रहे हैं, तो उसको बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जिनकी वजह से अपन देखते हैं कि कॉन्जुगेशन होता है। अब देखिए कॉन्जुगेशन का महत्व क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि अभी अपन ने बात करी थी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके कुछ इम्पोर्टेंस भी हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हैं, अवगुण भी हैं, लेकिन इसी तरीके से कॉन्जुगेशन के कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। नुकसान तो सबसे बड़ा यही है कि बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है, और ये अनयूजुअल कंडीशंस होगा, यूजुअल कंडीशंस में नहीं होता, तो इसके कुछ अपन देखें कि इसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं। ठीक है, बेनिफिट्स क्या हैं, सबसे पहला बेनिफिट्स है कि पुनर्यवनन यानी रिजुवेनाइजेशन, ये रिजुवेनाइजेशन में देखेंगे आप तो विखंडन हो गया, निरंतर कई पीढ़ियाँ बनती जा रही हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो एक ऑर्गेनिज्म करता है, फिर उससे दूसरा बनता है, फिर उससे दूसरा बनता है, तो धीरे धीरे क्या होता है उनमें एक तरीके से क्षीण होने लग जाते हैं, उनमें इतनी पावर नहीं होती, धीरे धीरे उनकी कैपेसिटी कम होती जाती है और लास्ट में जाते जाते ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि उनमें पुनर्यौवन व्यवस्था वापस डेवलप होती है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो न्यूक्लियर है, ठीक है, न्यूक्लियर का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, दोनों न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं, तो दोनों के देखिए अलग अलग काम मैंने बताया कि जो माइक्रो न्यूक्लियस हैं तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, और माइक्रो न्यूक्लियस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, दोनों अलग अलग न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, दोनों के मटेरियल फ्यूज हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है न्यूक्लियस में भी पुनर्गठन होता है। और उसके बाद में थर्ड आता है हेरिडिटी वेरिएशंस। देखिए वेरिएशंस कब आएंगे, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी वेरिएशंस नहीं आती हैं, तो नई स्पीसीज मिलती है अपने को, पैरामीशियम के कई तरीके की स्पीसीज डेवलप होती है, वो डेवलप होंगे सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेशन की वजह से। ठीक है, उसके बाद में कुछ और भी प्रोसेस हैं जिनकी अपन यहाँ बात करते हैं पैरामीशियम में, कि पैरामीशियम में कुछ प्रोसेस यानी कि एक दो प्रोसेस और होती हैं जिनके द्वारा भी यहाँ क्या होता है रिप्रोडक्शन होता है।
चलिए तो फिर दूसरा अपन बात करते हैं यहाँ एक, देखिए इसमें होता है एंडोमिक्सस। तो कुछ स्पीसीज में अगर देखा जाए तो इस तरीके का भी रिप्रोडक्शन होता है जिसको बोलते हैं अपन एंडोमिक्सस। एंडोमिक्सस, एंडोमिक्सस के द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें देखते हैं अपन, जैसे जो कॉन्जुगेशन है वैसा नहीं होता। यहाँ जो ऑर्गेनिज्म है उसमें देखिए, जो भी ऑर्गेनिज्म है जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को फॉलो करेगा तो वो क्या करता है, अपना सबसे पहले फूड लेना बंद कर देगा। ठीक है, फूड लेना बंद करता है यानी ओरल ग्रोव यहाँ ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद में जो मैक्रोन्यूक्लियस है इधर, ये मैक्रोन्यूक्लियस था। ठीक है, इधर माइक्रोन्यूक्लियस है ऑर्गेनिज्म में, लेकिन माइक्रोन्यूक्लियस में क्या होगा, अब डिवीजन होता है। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसमें डिवीजन होगा। अब तो अब क्या होगा, यहाँ दो माइक्रो न्यूक्लियस बन जाते हैं। और ये मैक्रो न्यूक्लियस है और दो माइक्रो न्यूक्लियस बन जाते हैं, इनको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब क्या होगा, धीरे धीरे जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे डीजनरेट होने लग जाएगा यहीं से, यानी ये क्या होता है, डीजनरेट होने लग जाता है। नेक्स्ट में जाएंगे ये बिल्कुल डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, डीजनरेट हो गया। अब ये जो न्यूक्लियस थे इनमें फिर डिवीजन हुआ और चार न्यूक्लियस बन गए। माइक्रो न्यूक्लियस है वो टोटली डीजनरेट हो गया। ठीक है, चार न्यूक्लियस बने। अब चार न्यूक्लियस में से क्या होगा, तीन न्यूक्लियस यानी कि दोनों में से तीन तीन, यानी सॉरी, इसके बाद में फिर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और आठ न्यूक्लियस बन जाते हैं। यहाँ चार न्यूक्लियस और चार इधर, आठ न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, आठ न्यूक्लियस बन गए। अब क्या होगा इनमें से कि छह न्यूक्लियस डी जनरेट हो जाते हैं, तीन इधर से और तीन इधर से, दोनों तरफ से छह न्यूक्लियस डी जनरेट हो जाएंगे, यानी डी जनरेट हो जाएंगे। यहाँ से ये तीन इधर से गायब हो गए और ये तीन इधर से गायब हो गए। अब जो ऑर्गेनिज्म है आपका वो इस तरीके का हो जाता है। अभी जो ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं उसमें बीच में कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाता है, यानी बीच में इस तरीके का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और बीच में से क्या हुआ कि तीन और तीन छह न्यूक्लियस डीजनरेट हो गए। यानी कि अपन देखें तो आपको ऑर्गेनिज्म इस तरीके का ऑर्गेनिज्म दिखाई देता है। उसमें आप देखेंगे तो ये तीन न्यूक्लियस, ठीक है, तीन और तीन छह न्यूक्लियस डी जनरेट हो जाते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो बने उनमें, एक न्यूक्लियस इसमें और दूसरा जो ऑर्गेनिज्म बना तो एक न्यूक्लियस इसमें। ठीक है, इस तरीके से न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। अब न्यूक्लियस का जो फॉर्मेशन हुआ, अब इसमें क्या होगा, वापस से डिवीजन हुआ और वापस से डिवीजन होगा उसमें, तो जो न्यूक्लियस हैं डबल न्यूक्लियस बन जाएंगे उसमें भी, एक न्यूक्लियस ये और एक न्यूक्लियस ये, दोनों में दो दो न्यूक्लियस हो जाएंगे, दो दो न्यूक्लियस हैं। फिर उसमें वापस से डिवीजन होगा और ये चार न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये फोर डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। फोर डॉटर न्यूक्लियाई बनने के बाद में क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस हैं उनमें से दो माइक्रो न्यूक्लियस में और दो मैक्रो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि ये दो हैं, ये लार्ज न्यूक्लियस और दो स्मॉल न्यूक्लियस, इसमें से ये दो लार्ज और दो स्मॉल न्यूक्लियस। ठीक है, अब उसके बाद में फिर से इसमें क्या होता है कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में बीच में से डिवीजन होने चालू हो जाएगा और दोनों न्यूक्लियस हैं फिर से माइक्रो न्यूक्लियस हैं वो डिवाइड होंगे। तो ये ऑर्गेनिज्म है आपका वो इस तरीके का हो जाएगा, एक माइक्रो न्यूक्लियस इधर है
एक माइक्रो न्यूक्लियस इधर है और मैक्रो न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाएंगे और दो दो बन जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से माइक्रो न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये इसके बाद में इस तरीके से दोनों स्पीसीज अलग हो जाएंगी, तो एक होगा इसमें माइक्रो न्यूक्लियस, सॉरी दो माइक्रो न्यूक्लियस और एक होगा मैक्रो न्यूक्लियस। यहाँ भी देखिए ये जो प्रोसेस चलती है, देखिए एक से अपन ने दो स्पीसीज यहाँ भी बन गई, दो डॉटर्स बन गई एक से, और इसी तरीके से दूसरे से भी दो डॉटर बन जाएंगे, तो यहाँ कितनी डॉटर का फॉर्मेशन होता है, फोर डॉटर पैरामीसिया का फॉर्मेशन होता है, यानी चार डॉटर पैरामीसिया बनती है। तो जो एंडोमिक्सिस की प्रोसेस है इसमें भी सिर्फ कॉन्जुगेशन नहीं होता, दो ऑर्गेनिज्म आकर मिलते नहीं, लेकिन अंदर जो न्यूक्लियस है उनमें डिवीजन होता है, डिवीजन होने के बाद में उसमें ट्रांसफ़र बाइनरी फ्यूजन होता है, बाइनरी फ्यूजन होने के बाद में अंदर डिवीजन होते हैं, ऑर्गेनिज्म दो और दो से चार का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में आठ का फॉर्मेशन होता है, आठ में से तीन माइक्रो न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाते हैं, दो बचते हैं, उसके बाद में डिवीजन हो जाता है ऑर्गेनिज्म में, दोनों न्यूक्लियस आगे जाकर फिर उनमें माइटोटिक डिवीजन हुआ और फिर वो चार में कन्वर्ट हो गए, चार में से दो लार्ज साइज के यानी जिनको बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस और दो स्मॉल माइक्रो न्यूक्लियस में, फिर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में क्या होगा कि वो यहाँ से बीच में से डिवाइड होगा, ठीक है, यानी कि ट्रांसफ़र डिवीजन होगा, यहाँ दो डिवाइड होगा तो एक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियस और एक एक दो दो माइक्रो और एक एक मैक्रो न्यूक्लियस, इसके बाद में कम्प्लीटली दोनों अलग पैरामीसिया बन जाते हैं, तो दो डॉटर पैरामीसिया इधर और दो डॉटर पैरामीसिया उससे, तो टोटल ये देखें कि एंडोमिक्सस में चार पैरामीसिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद में फिर लास्ट अपन बात करते हैं, लास्ट में आप देखेंगे तो पैरामीसियम के जो साइटोप्लाज्म है उसमें कुछ पार्टिकल्स और होते हैं जिनको बोलते हैं कप्पा पार्टिकल्स या देखिए तो साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स इन पैरामीसियम, साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स इन पैरामीसियम, ठीक है। पैरामीसियम में बहुत सारे पार्टिकल्स आपको देखने के मिलेंगे, इसलिए सबसे पहला है कप्पा पार्टिकल, कप्पा पार्टिकल, ठीक है। कप्पा पार्टिकल्स को अपन एक साइंटिस्ट थे टीएच सोनीबोर्न, ठीक है, सोनीबोर्न एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा था कि जो पैरामीसियम की जो स्पीसीज हैं उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं कप्पा पार्टिकल्स। तो दो तरीके की स्पीसीज होती हैं यहाँ पे, जिसमें कप्पा पार्टिकल्स यानी के पार्टिकल्स, मान लीजिए ये पैरामीसियम की स्पीसीज एक थी, पैरामीसियम की स्पीसीज दूसरी है जो कॉन्जुगेशन कर रही है, इधर वाले जो हैं इनमें कप्पा पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और इधर वाले में एब्सेंट है। तो जो कप्पा पार्टिकल्स ये हैं, ये कप्पा पार्टिकल्स क्या करते हैं, यानी इस स्ट्रेन को अपन कहेंगे किलर और इसको बोलते हैं सेंसिटिव, सेंसिटिव, ठीक है। ये तो पैरामीसियम की दोनों स्पीसीज आप देख रहे हैं, एक ऐसी है सेंसिटिव है और एक किलर है। तो जो कप्पा पार्टिकल्स जिसमें है, तो ये कप्पा पार्टिकल्स क्या है, एक पैरामीसिन का फॉर्मेशन करते हैं, एक तरीके से अपन कहें कि एक टॉक्सिक एलिमेंट का सिक्रेशन करते हैं जिसको बोलते हैं पैरामीसिन, पैरामीसिन का सिक्रेशन करते हैं। जो पैरामीसियम है वो जिन स्पीसीज में कप्पा पार्टिकल्स हैं यानी वो पैरामीसिन का सिक्रेशन करेंगे और वो दूसरी स्पीसीज जो सेंसिटिव है उस स्पीसीज के लिए टॉक्सिक का काम करेंगे, तो उस स्पीसीज को मार देते हैं। तो या तो दोनों स्पीसीज में कप्पा पार्टिकल्स होने चाहिए या दोनों में नहीं होना चाहिए, अगर एक स्पीसीज में कप्पा पार्टिकल्स हैं तो दो दूसरी सेंसिटिव स्पीसीज है उसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद में दूसरा जो है वो एक होते हैं पीआई पार्टिकल्स,
दूसरे होते हैं पीआई पार्टिकल्स। पीआई पार्टिकल्स की अगर बात करें तो ये पीआई पार्टिकल्स उनके म्यूटेंट फॉर्म होती है, ठीक है, ये म्यूटेंट फॉर्म होती है और ये ज़्यादा एनिमल्स के लिए, इसी की जो कप्पा पार्टिकल्स है इसकी म्यूटेंट फॉर्म है तो ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होती है ये, जस्ट उसमें कुछ म्यूटेशंस होते हैं। एक होता है म्यू पार्टिकल्स, एम यू पार्टिकल्स, ठीक है। म्यू पार्टिकल्स की अगर अपन बात करेंगे तो म्यू पार्टिकल्स ये भी क्या होते हैं, किलर होते हैं। तो ये भी जब एक दूसरे में कंजुगेशन होता है तो जिसमें म्यू पार्टिकल्स एब्सेंट होते हैं वो जो दूसरा स्ट्रेन सेंसिटिव है उसको मार देने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद में लास्ट एक होते हैं लैम्ब्डा पार्टिकल्स, ये पैरामीसियम में ये भी एक तरीके से टॉक्सिक पार्टिकल्स हैं जो कई बार पैरामीसियम को छिन्न भिन्न कर देते हैं अंदर से। तो लास्ट वाला होता है लैम्ब्डा पार्टिकल्स। तो चार तरीके के पार्टिकल्स मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कप्पा पार्टिकल्स हैं जो पैरामीसिन का सेक्रेशन करते हैं, और पैरामीसिन क्या होता है, दूसरे स्पीसीज के लिए टॉक्सिक एलिमेंट की तरह काम करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है पैरामीसिन या कप्पा पार्टिकल्स, उसके बाद में म्यू पार्टिकल्स, इनके म्यूटेंट फॉर्म है, ज़्यादा घातक नहीं होते, उसके बाद में म्यू पार्टिकल्स और लैम्ब्डा पार्टिकल्स। ये पैरामीसिन क्या करते हैं कि एक तरीके से टॉक्सिक होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन अपनी नई जो स्पीसीज है युगलिना की अपन बात करेंगे।